दोस्तों स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं राहुल। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देसी नुस्खा बताने वाला हूं जिससे जिसको डैंड्रफ होता है वो पल भर में गायब हो जाएगा और कोई समस्या भी नहीं रहेगी डैंड्रफ की। कई लोग कहते हैं कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है यार लड़को लड़का लड़की दोनों में ये चीज़ कॉमन है और बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैं इस चीज़ का एक देसी नुस्खा लाया हूँ और देसी ये घरेलू इलाज है, ये काफ़ी कामयाब है क्योंकि और कोई जो हानिकारक केमिकल वाले जो शैम्पू मत लगाइए दोस्तों और अपना घर का चीज़ ट्राई कीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है सीक्रेट उसका, देसी नुस्खा क्या है, आइए चलिए जानते हैं। कटोरी में मैंने ले लिया सरसों का तेल, इसमें ये आधा कटा हुआ नींबू है, इसमें ये निचोड़ लिया है, आधा निचोड़ चुका हूँ, आधा आपको दिखाने के लिए निचोड़ना बाकी था तो ये भी मैंने निचोड़ लिया है। अब दोस्तों इसको मैं अपने बालों पे अप्लाई करूंगा, पहले इसको अच्छे से निचोड़ लेना है नींबू को और नींबू को निचोड़ के इसमें अच्छे से मिला लेना है। देखिए दोस्तों अच्छे से मिला लिया है मैंने, देखिए कुछ ऐसा पेस्ट जो है तैयार हो गया है, देख सकते हैं है ना ऐसा पेस्ट। अब इसको मैं अपने बालों पे अप्लाई करूंगा और आइए जानते हैं इसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा बालों पे, आइए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मैं आपके सामने ये नींबू और ये जो सरसों के तेल से जो मैं पेस्ट बनाया था इसको मैं अपने बालों पे अप्लाई करूंगा क्योंकि डैंड्रफ हो जा रहा है यार। गाड़ी वाड़ी चलाते समय बाहर जो धूल मिट्टी भी जमा हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है और मैं तो काफ़ी जगह ट्रैवल करता हूँ और रोज लगभग 20 से 25 किलोमीटर में गाड़ी चलाना होता है बाइक पे तो बहुत हाँ। और इसको दोस्तों देखिए मैं तो ऐसा आपको कहूँगा कि रात को लगाएं और सुबह आप जैसे रात को लगा के सो गए और सुबह आपने फिर इसको धो लिया शैम्पू से आपको बालों की जड़ों में लगाना है बहुत यार डैंड्रफ क्या मतलब गंदगी बाहर पॉल्यूशन इतना हो जाता है ना कि बालों में नहा जाते हो भी गंदगी चली जाती है। हेलमेट लगाओ चाहे कुछ भी लगा लो गंदगी हो ही जाती है बालों में। उससे बचने का तरीका आसान यही बताया, सरसों के तेल में नींबू डाल लें, नींबू का रस और उसको अच्छे तरीके से कुछ इस तरीके से अच्छे से बालों की जड़ों पर लगाएं, रात को लगाएं सुबह धो लें। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं रात में नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि सरसों का तेल मुझे बहुत ही ज़्यादा भारी लगता है और मैं इतना बोझ नहीं झेल सकता। तो जिसको भी सरसों का तेल लगाने की आदत है वो उसके लिए आसान है, लेकिन आप चाहें तो एक दो घंटा भी अप्लाई करें तो भी कोई बड़ी बात नहीं। सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के लगा लें और 9 बजे तक धो लें, चाहे तो हफ्ते में 1 से 2 बार ये करेंगे तो सारा डैंड्रफ गायब, देख सकते हैं दोस्तों सही हो रहा है सही है, देख सकते हैं दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे से रगड़ रगड़ के आपको लगा लेना है ये। बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं बाइक चलाने से, हेलमेट लगाने के बावजूद भी आँखों में बालों में हो जाता है दिक्कत यार। जिस किसी को डैंड्रफ की समस्या है 100% निवारण हो जाएगा उसका, थोड़ा जलन तो होगा लेकिन आराम भी मिलेगा, बाल एकदम सॉफ्ट होंगे शाइनी होंगे बिना किसी शैम्पू कोई कंडीशनर कोई चीज़ लगाए बिना सॉफ्ट होंगे। बस आपको शैम्पू से सुबह के टाइम धो लेना है 4-5 घंटे पहले लगा के सरसों के तेल और नींबू लगा के फिर 4-5 घंटे बाद उसको धो लें शैम्पू से, बाल एकदम चमकदार शाइनिंग हो जाएंगे और बालों में ग्लो आएगा बहुत अच्छा। जलन तो बहुत होती है ऐसा लगता है माचिस की तिल्ली मार दी हो बालों के लिए, लेकिन आराम भी बहुत ज़्यादा मिलता है। देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से मैंने लगा लिया है बालों में, अब मैं जाऊंगा इसको वॉश करके आऊंगा शैम्पू से, 5 मिनट का वेट करूंगा मैं तो बहुत ही जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा ना करें, आप इसको रात भर लगा के छोड़ दें
और सुबह इसको शैम्पू से धो ले, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। मैं तो जल्दी वाला काम कर रहा हूँ यार, जल्दी वाला काम ऐसे अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये काम करेगा। और मैं क्योंकि डैंड्रफ नहीं है, जैसे डस्ट गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और देखिए थोड़ा सा जलन होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, और इस तरीके से देख सकते हैं बालों में, ठीक है? सही हुआ, सही आ रहा है। इस तरह से आपको बालों में अच्छे से चिपोड़ लेना है, अच्छे से जितना ज़्यादा ऑयल अच्छे से लगाना है आपको कि पूरा उसमें बाल जो है भीग जाए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा फॉर्मूला। तो दोस्तों देखिए पूरा खत्म हो गया। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग तक ये वीडियो पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। टाटा बाय बाय। रिजल्ट नहाने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे हो रहे हैं बाल, एकदम सिल्की एंड शाइनी देख सकते हैं, और एकदम हल्के हो गए हैं। क्यों, अच्छा हो गया ना बाल? देखो अच्छा लग रहा है, चूंकि देखो तो हाँ लाइन बेहतर देखो, ए तो बाल मेरे सिल्की सिल्की सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं। तो दोस्तों ये जो सरसों के तेल और नींबू का जो कॉम्बिनेशन है, वो डैंड्रफ वालों के लिए तो वरदान है। और डैंड्रफ ही नहीं, जो भी लोग बाहर सफर करते हैं बाइक से, बालों में डस्ट, जैसे मेरे ही डस्ट, डैंड्रफ नहीं था इतना, लेकिन डस्ट पार्टिकल बहुत हो जाते हैं। तो सरसों का तेल और नींबू रात को लगा के सोए, और सुबह उसको शैम्पू से धो लें, वो भी शैम्पू से। और अपने बालों को ये देखिए कितने बिल्कुल सिल्की सिल्की हल्के हल्के बाल हो गए, कुछ नहीं लगाया मैंने, बिल्कुल केवल नींबू और सरसों के तेल का कमाल है, देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।